तट अभी भी है, जब हम लोग भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें बोला जाता है कर्नाटक से लेकर के केरल तक के क्षेत्र को मालाबार तट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पहले से जो बैठा हुआ था व्यापारी, अरबी व्यापारी, अब अरब से जो आए हुए थे वो अरबी व्यापारी भी यहाँ पे थे। तो लेकिन इनके बावजूद कालीकट का राजा था जमोरी, है ना, यूरोपीय पुर्तगाली का स्वागत किया और मसाले तथा जड़ी बूटी ले जाने की अनुमति प्रदान की। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा चलिए अब आगे चलिए, क्या बोले, हेलो, फिर बीच में आवाज सब इस तरीके से आने लगा है, फिर चलिए सब कोई म्यूट करके रखिए और हमारी बातों को सुनिए, और जो प्रश्न होगा तो आप लोग चैटिंग करके हेड खड़ा कर देंगे, हम आपके बातों को समझ लेंगे और हम आपके साथ जो है कनेक्शन कर लेंगे। और जो है सो मतलब बहुत जल्द हम स्क्रीन पे आ जाएंगे, आप लोग को थोड़ा देखिए, ये तो हमारा नोट्स के माध्यम से हुआ, कुछ चीजें है जो शशि तुरंत हाथ खड़ा कर दिया, क्या बात है। कोई बात नहीं, चलिए। तो 1500 में अल्ब्रेक्ट केबराल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा अभियान भारत आया, ये भी मसाला आदि लेकर के पुर्तगाल पहुंचा। 1502 में वास्को डिगामा पुनः भारत आया और इसी वर्ष इसने कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की, है ना। ये हाथ खड़ा बार बार क्यों कर रहे हैं शशि, शशि हेलो, शशि हाँ शशि, हाँ शशि, अब बोलिए, हैंड आप खड़ा क्यों कर रहे हैं। हम आप लोग को सभी को बोल दिए हैं, यदि कोई भी परेशानी होगी तो सबके मोबाइल में ना एक हैंड वाइज होगा, तो उसको खड़ा कर दीजिएगा तो मेरे पास आ जाएगा। हाँ, ऑल स्टूडेंट सब कोई म्यूट कर देंगे, सिर्फ हमको सुनेंगे, जहां क्वेश्चन होगा वहां हैंड खड़ा कर देंगे, हम आप ही के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, क्लियर ना। हाँ चलिए, अच्छा चीज है, बस टेक्निकल चीज है और इस टेक्निकल चीज में हम लोग को अभी थोड़ा सा ये होने में लेट लगा, और कल जो है हम देखते हैं इसमें एक कैमरा अलग से लगा करके, और एक राइटिंग पेड टेबलेट आता है, तो राइटिंग पेड टेबलेट जो है हम यूज करेंगे, तो उस पर लिखेंगे और बोर्ड पे आपको यहाँ पे ऑन स्क्रीन दिखाई पड़ेगा, है ना। टेक्नोलॉजी तो बहुत चीज है बाबू, है ना, क्या आप लोग सभी सहमत है ना। अच्छा हो जाएगा बाबू, डाउनलोड तुम काहे चिंता कर रहे। शुभम सर, हम रेस हैंड किए थे, सीख रहे थे। अच्छा शुभम जो है लिखता है, सर हम रेस हैंड किए थे, सीख रहे थे। चलिए कोई बात नहीं है, एक आध दिन सीखने में दे दीजिए, जिंदगी का कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप लोग भी ट्रेंड हो जाएंगे, तब तब हम लोग का क्लास चलेगा इस तरीके की एकदम। अभी शुरुआत 2 दिन जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे बढ़े बाबू। यस नो, जल्दी बोलिए। चलिए, 1502 में वास्को डिगामा पुनः भारत आया, और पुनः भारत आया और इसी वर्ष इसने कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। तो पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, कोचीन में, कौन किया, तो वास्को डिगामा, याद याद रखेंगे, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कोचीन में, कौन स्थापना किया, वास्को डिगामा, कब किया,
1500, ये चार चीज याद रखेंगे, कोई दिक्कत? चलिए, 1505 में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई। एक नया नीति अपनाया कि अब से जो है हम भारत में गवर्नर बनाएंगे, ठीक है, कोई भी हेड तो होगा ना। इस संदर्भ में पहला गवर्नर जो बना वो कौन बना? अल्मीडा। कौन बना? अल्मीडा। और इसका कार्यकाल है 1505 से 1509 ईस्वी तक। दिक्कत? चलिए, अल्मीडा ने कोचीन का दुगीकरण कराया और इसे अपना मुख्यालय बनाया। 1508 और 9 में इसने गुजरात में मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जल बेड़े को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। मिस्र और तुर्की का संयुक्त जल बेड़ा होता था जो समुद्री इलाके में एक तरह से समुद्री डाकू बोलिए, उसको हरा दिया, ठीक है, और उसको हरा करके द्वीप जो दमन और द्वीप का वर्तमान समय है गुजरात के पास है, ठीक है, उस पर अधिकार कर लिया। कौन किया? अल्मेडा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्बुकर्क। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। इसने 1510 में बीजापुर से गोवा को जीत लिया और किलेबंदी कराई। ज्योति, दुर्गीकरण को एक्सप्लेन कीजिए। बाबू ज्योति सुन पा रहे हैं? हाँ चलो, दुर्गीकरण का मतलब होता है तुम घर बनाती हो ना, घर बनाती हो तो चारों तरफ बाउंड्री करती हो ना। क्यों बाउंड्री करती हो? कि घर को सुरक्षित रखा जाए, कुत्ता कमीना ये सब घर में प्रवेश करे, है ना। उसी तरह से एक तरह से राउंड कर लिया जाता था कि इस इलाके के इस क्षेत्र में हमारा क्षेत्र होगा जहां से हम अपना व्यापारिक गतिविधि सब ये सब करेंगे, ठीक है। दुर्गीकरण मतलब समझ लो घेरा। कोई दिक्कत? चल आगे बढ़े। इसी तरह से सवाल पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कहाँ पे थे हम लोग? दुर्गीकरण तो हो गया ना। अच्छा चलिए, अल्बुकर्क थे। अल्बुकर्क का समय कब है? 1509 से 1515 तक। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। आपसे दो क्वेश्चन पूछता है कि पहला पुर्तगाली का पहला गवर्नर कौन था? तो अल्मेडा। और पुर्तगाली का वास्तविक गवर्नर कौन था? तो अल्बुकर्क। याद रखेंगे? हाँ, वास्तविक संस्थापक जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली संतलत का संस्थापक था, और वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक कोई बता सकते हैं? शशि, इल्तुतमिश को, ठीक है, इसलिए माना जाता है बाबू कि देखो वो तो 4 साल 2 साल 5 साल रहा और 5 साल में वो कुछ कर नहीं पाया, ठीक है। भले वो प्रथम गवर्नर जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, दिल्ली का संस्थापक तो बन गया, बेचारा जो है पोलो खेलते ही मर गया। मरने के क्रम में वो जितना भी कार्य करके गया था वो कार्य को पूरा नहीं कर पाया, ठीक है। तो जो कार्य वो किया था उस कार्य को पूरा कौन किया था? इल्तुतमिश किया था। तो वास्तविक उसके साथ जुड़ गया, जबकि रियल में प्रथम कोई था तो कुतुबुद्दीन ऐबक। सेम टू सेम यहाँ पर भी अल्मेडा है। अल्मेडा प्रथम तो था लेकिन बेचारे के पास बहुत कम समय था, 4 साल था, 4 साल में जो हुआ किया। लेकिन रियल रूप में जो डेवलपमेंट तो होता है पुर्तगाली का वो कौन किया? अल्बुकर्क किया। कोई दिक्कत? चलो, 1510 में बीजापुर से गोवा को जीत लिया। उस समय बीजापुर और गोलकुंडा, ये जो बीजापुर और गोलकुंडा है बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह था, ठीक है। बीजापुर से गोवा को जीत लिया, ये जो गोवा था आज वर्तमान जो है गोवा है ना, ये गोवा बीजापुर के अधीन था, इसको जीत लिया और यहाँ पे किलेबंदी कराई, एक तरीके से दुर्गीकरण,
तुम्हारा को उत्तर लिखा क्या था? और एक शक्ति के केंद्र के रूप में विकास किया, तुम्हारा कहाँ? गोवा में। तो इसलिए पुर्तगाली का जो है, पुर्तगाली कलिया का सब दिन केंद्र जो रहा वो कहाँ रहा? गोवा रहा। कहाँ पुर्तगाली का प्रारंभिक केंद्र कहाँ था? आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पुर्तगालियों की प्रारंभिक केंद्र कहाँ थी? था? गोवा नहीं बाबू, कोचीन। हृदय, बैसलपुर। शशि का प्रश्न है, बैसलपुर कैसे अधीन था? बैसलपुर, बीजापुर। शशि, हेलो शशि, आपका प्रश्न है बीजापुर कैसे अधीन था? अच्छा, जब औरंगजेब के समय में, औरंगजेब के समय में 21 प्रांत थे, बात समझ में आया? हाँ, औरंगजेब के मरते के समय में हम आप लोग को बताए थे कि 21 प्रांत थे, उसमें से फिर 18 प्रांत बचे थे, और 18 प्रांत में जैसे अभी हम लोग के यहाँ 28 राज्य है, उसी तरह से वो प्रांत था, ठीक है, और एक बीजापुर प्रांत था। क्या बोले? हाँ, अभी अभी 29 राज्य है। हाँ, शशि, अच्छा आप ये बताइए, हाँ, ये 1505 से 1509 का बात बोल रहे हैं, ठीक है, तो इस समय हमारे दिल्ली में, दिल्ली में किसके अधीन था ये बताइए तो आप लोग। गुड, लोदी वंश का था। तो लोदी वंश में भी प्रांत की स्थापना तो होगी, ठीक है, और बीजापुर गोलकुंडा, ये बीजापुर गोलकुंडा याद कीजिए, दिल्ली संतलत में ही विजयनगर और बहमनी साम्राज्य ये दो था। हेलो हेलो, हाँ, तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, और बहमनी साम्राज्य के अधीन था बीजापुर और गोलकुंडा, आपको उसका हम मैप के थ्रू हम बताएंगे, ठीक है, बीजापुर और गोलकुंडा, कोई दिक्कत? और गोवा जो है वो बीजापुर के अधीन था, और गोवा को जीत लिया, कौन जीता? अल्बुकर्क, अल्बुकर्क, कोई दिक्कत? और गोवा को ही सेंटर बनाया, जैसे भारत में सेंटर दिल्ली था, उसी तरह से पुर्तगालियों का सेंटर गोवा हुआ, और बाद में गोवा राजधानी भी हुई, किसकी? पुर्तगालियों की। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट, वास्को डिगामा। ये वास्को डिगामा कौन है भाई? यहाँ आप एक चीज से कंफ्यूज ना करेंगे, देखिए यहाँ पे, पंद्रह सौ दो में वास्को डिगामा दूसरी बार आया, यहाँ पे हमारा देख रहे हैं ना आप लोग, है ना? चलो चलिए, यहाँ देखिए, तो यहाँ है 1502 में, हाँ, बीच में कौन बोल रहे हैं? 1502 में वास्को डिगामा पुनः भारत आया, यहाँ एक चीज देख रहे हैं, है ना? और फिर हम लोग देख रहे हैं एक गवर्नर वास्को डिगामा 1524 से 1530 तक, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब तो 3 बार हो गया ना वास्को डिगामा। हाँ, दूसरी बार रहा तब ना कोचीन को केंद्र बनाया था, इसलिए हम ऊपर दिखा रहे थे आप लोग को, देखिए, नहीं, ठीक है,
हाँ चला गया था और फिर आया वास्को डी गामा। हाँ क्या बोले क्या बोले क्या बोले, नहीं सुन पा रहे हैं। तीसरा बार 1524 से 29 में, लेकिन अब वो गवर्नर के रूप में है। इससे पहले सिर्फ वो व्यक्ति के तौर पे आया था, पुर्तगाली का एक व्यक्ति था, लेकिन अब पुर्तगालियों का गवर्नर था वास्को डी गामा। ठीक है हाँ, 1524 से 1529 तक यह गवर्नर रहा। 1529 में गोवा में इसकी मृत्यु हो गई। कहाँ मृत्यु हो गई? गोवा में। अब गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र बनाई गई है ना। कौन सा पुर्तगाली गवर्नर है, कौन सा पुर्तगाली गवर्नर है जिनकी समाधि भारत में है? तो वास्को डी गामा। कोई दिक्कत? चलिए, सेंट जेवियर्स ईसाई संत की कब्र भी गोवा में है। ये संत थे ईसाइयों के और उसका नाम ही है सेंट जेवियर, और इसी सेंट जेवियर्स के नाम पे आज भारत में जो है सेंट जेवियर्स स्कूल है, सेंट जेवियर्स कॉलेज है। ठीक है हाँ, सेंट जेवियर्स जितना भी होता है ना वो ईसाइयों का ही सेंटर होता है। नेक्स्ट 29 से 38 नुनो द कुन्हा। कौन? नुनो द कुन्हा। यह अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। अल्बुकर्क अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे।